हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं। तो ये अपडेट सभी के लिए, सिर्फ 10th एंड 12th के बच्चों के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। देखते हैं कि क्या है ये अपडेट। एक्चुअली ये अपडेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आने वाली है महाराष्ट्र में और उसमें क्या मेजर चेंजेस होंगे, क्या मेन पॉइंट्स थे। तो हम सबसे पहले टाइम लाइन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि क्या हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुई। तो देखो, जून जुलाई में महाराष्ट्र में नई सरकार बनी, नए शिक्षा मंत्री भी बने। तो उन्होंने सबसे पहले क्या एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हम उसे जल्द ही लागू करेंगे, उसे लागू करना हमारी प्राथमिकता होगी। और उसके बाद हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये आई है कि अगले साल से, यानी कि 2023-24 से, जो 12th के बाद डिग्री कोर्सेस होते हैं, जैसे कि BA, BSc, BCom, जो अभी तक 3 साल के होते थे, अब वो 4 साल के होंगे। यानी कि अगर आप अभी 12th में हो 2022-23 में, और अगले साल आप 12th के बाद डिग्री करने वाले थे, BSc, BA, BCom, तो आपको 4 साल पढ़ना होगा, जो कि बहुत मेजर चेंज है, पूरे देश में होने वाला है। और वहीं यहाँ पर देखो, एक और लेटेस्ट अपडेट आई है कि अब ऐसा होगा अगले साल से कि 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि ये पहले भी था कि फेल नहीं किया जाता था बच्चों को, लेकिन ये रहेगा। और उसके बाद बच्चा अगर फेल होता है किसी क्लास में, उसको कम मार्क्स आता है, तो उसका फिर से एक री एग्जाम होगा। यानी कि इसे इंश्योर किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि बच्चा फेल ना हो। और उसके बाद आप ये देख सकते हो क्या हाईलाइट है कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। एंड यहाँ पर जो हमारे हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हो उनके बारे में। तो उन्होंने क्या कहा है कि एनआरए शैक्षणिक वर्षापासून सर्व विद्यापीठांनी NAPG अंमलबजावणी शुरू करावी, असे आदेश। तो जो न्यू ईयर रहेगा 2023-24, उसमें से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे लागू कर दिया जाएगा, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बात तो अब कंफर्म है कि नए साल से 2023-24 एजुकेशनल ईयर से महाराष्ट्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। तो मेजर चेंजेस क्या होंगे उसमें, जो भी डिग्री कोर्सेस थे, नॉर्मल डिग्री कोर्सेस 3 साल के, वो अब 4 साल के हो जाएंगे। जो पहले से डिग्री कोर्सेस 4 साल के थे प्रोफेशनल, उस पर कोई असर नहीं होगा। बट जो जनरल कोर्सेज थे, BSc, BA, BCom, 3 साल के, वो 4 साल के हो जाएंगे। देन आपको जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे थोड़ा बढ़ाया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। मैंने इसलिए 4 साल का किया गया कि ताकि सभी बच्चों को एक ऐसा एनवायरमेंट प्रदान किया जाए, एक ऐसा एनवायरमेंट मिले कि वो साथ ही थ्योरी थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करें। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ मेन हाईलाइट भी हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। अभी हमने बात की डिग्री कॉलेजेस पे, कि डिग्री की पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा। उसके अलावा जो 12th की नीचे की पढ़ाई होती है, 12th तक की पढ़ाई होती है, उस पर भी बहुत असर पड़ने वाला है। अब बच्चे किसी भी मीडियम से पढ़ाई कर सकते हैं, डिग्री की पढ़ाई भी। एंड न्यू ईयर से, अगले साल से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई मराठी में भी स्टार्ट होने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो ये था मेन वीडियो। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या है आपका ओपिनियन कि जो डिग्री कोर्सेज हैं 4 साल के हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर से, क्या ये सही है या फिर गलत है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट पूछने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए रिगार्डिंग टू योर एग्जाम, या फिर कुछ भी आपके मन में डाउट है सिलेबस को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट, अपने सवाल वहां पर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।